गुड मॉर्निंग. फर्स्ट ऑफ ऑल माई नेम वर्षा भारद्वाज. आई एम द असिस्टेंट टीचर ऑफ आरबिल पब्लिक स्कूल. नाउ स्टार्ट बुक रीडिंग क्लास 8 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 16 कोशिश करने वालों की. इसके कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन. बच्चों ये बहुत अच्छी कविता है. इस कविता के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि हम जीवन में बिना कोशिश के कुछ भी नहीं कर सकते. हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती. चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती. मन का विश्वास रंगों में साहस भरता. चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है. जाकर खाली हाथ लौट कर आता है. मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में. बढ़ता दुगना उत्साह इस हैरानी में. मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. असफलता एक चुनौती है. इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक ना हो सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि एक छोटी सी जो चींटी है वो निरंतर अपना कार्य करती रहती है. कोशिश करती रहती है और वह सफल होती है. उसी प्रकार से सिंधु में मतलब समुद्र में जो गोताखोर होता है वो जाता है और वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जरूर आता है. वो कई बार प्रयास करता है लेकिन उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं जाती है. अच्छा, अब लास्ट स्टैंजा में बताया गया है असफलता एक चुनौती है. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है अगर हम किसी कार्य में असफल हो भी गए हैं तो हमें उस कार्य को फिर से करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी. बच्चों, इस की जो एक्सरसाइज हैं वो मैं आपको PDF में सेंड करूँगी और आप लोग इस कविता को लर्न भी करेंगे. बहुत अच्छी कविता है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.